हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम हाट या मेले में जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को देख करके बिल्कुल रुक से जाते हैं और लगता है कि जैसे इनके हाथ में मैजिक हो रहा है। ये क्या सच में ऐसा काम करता है? कोई नहीं मैम, बढ़िया काजक है। हाँ मूंगफली हो आप देखो सस्ता का तो हम ले ये काम तो आम कहाँ तक दिखाएंगे, बादाम काट काट के कोई भी ना काजू किसमें काजू काजू बहुत बढ़िया है। एक कोल्ड कॉफ़ी के लिए मक्खन केक के लिए दही छाछ रायता कोई भी चीज़ नीचे से लॉक है ना ये हमेशा ये लॉक होता है। इस तरह से करो, नीचे से पकड़ो, यहाँ से इस तरह से ये इसी तरह तो ऐसे ही इस बार मेरे साथ हुआ और मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कुछ दिन पहले नोएडा हाट गई थी और वहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने खरीद कर लाई हूँ। अभी मैं देखती हूँ कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, इतना काम करता भी है कि नहीं करता है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को अनबॉक्सिंग करूँगी और फिर मैं उसका रिव्यू करूँगी। तो सबसे पहले है ये है गुजिया बनाने वाली मशीन, इससे गुजिया बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये है यहाँ पे मोदक बनाने के लिए, ये टू पीस का कॉम्बो था तो मैंने साथ में ले लिया। और ये है एप्पल कट करने वाला, इससे आप एप्पल कट कर सकते हैं। साथ ही आप आलू के पोटैटो वेजेस बनाते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा होता है। ये है ग्रीस करने के लिए, इससे कम ऑयल में आप खाना बना सकते हैं। ये है बॉटल क्लीन करने के लिए, ये है आप बारीक अगर स्लाइस करना हो तो आप बारीक स्लाइस कर सकते हैं और साथ ही इसमें पीलर भी दी गई है। और इसके साथ ही ये है विस्क करने के लिए, अगर आप लस्सी वगैरह बनाते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से बन जाता है। ये है इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड कुकिंग हैमर फूड चॉपर, इसमें मल्टी फंक्शनल है ये और ये चार्जेबल है। ये ब्लेड दी गई है और इस तरह से है, साथ ही इसमें ये मिक्स करने के लिए स्पून दी गई है और ये वायर दी गई है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, यूएसबी चार्ज है ये। इस चॉपर के अंदर आपको मिलती है ये सारी चीज़ें, एक मैनुअल बुक दिया गया है जिसमें आप इसके अटैचमेंट देख सकते हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो दिया गया है मैनुअली। एक स्पून दी गई है, एक पूसर दिया गया है, दो ब्लेड है इसमें और ये है मशीन, बस इसे प्रेस करने से ये मशीन चलने लगती है और इसे चार्ज करने के लिए ये यूएसबी चार्जर दी गई है। ये देखिए बस सेकंड में ये बिल्कुल भुर्जी बना देती है। इसे आप रायता बना सकते हैं, चीले में डाल सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं या फिर ऐसे ही सैलड बना के खा सकते हैं। और ये है ड्राई फ्रूट स्लाइसर, और साथ है ग्रिल पैन और ये मुझे मात्र 150 का मिला। तो इसके अंदर ये एक स्क्रबर दिया गया और ये हैंडल है, आप यहाँ पे हैंडल लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे नट दिया गया है। ये है नॉनस्टिक कुकवेयर, इसमें आप देख सकते हैं जब आप ब्रेड वगैरह सेकते हैं तो ये लाइंस आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। इससे में आप कबाब भी सेक सकते हैं, टिक्कियाँ बना सकते हैं। एप्पल कट करके देखते हैं तो बस इसको इसमें फंसाना है और ऐसे बीच से प्रेस करना है।
अरे वाह। इसी तरह से आप आलू के भी ऐसे वेजेस बना सकते हैं। थोड़ी बड़ी आलू होती तो ज़्यादा अच्छी थी, बट आप इसको इस तरह से, और छोटी आलू हो तो इसे आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी कामें नाइफ से हो ही जाती है, लेकिन इससे थोड़ा देखने में भी ये अच्छा लगता है और समय की भी बचत होती है। बॉटल क्लीनर में खासियत ये है कि ये सिलिकन है, सिलिकन से बना हुआ, तो इसे आप इस तरह से हल्का फोल्ड भी कर सकते हैं और ये अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और क्लीनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये है ग्रीस करने के लिए। इससे जब भी आप डोसा वगैरह बना रहे हो या कुछ भी फ्राई कर रहे हो, चीला बना रहे हो, तो आप इस तरह से तवे पे हल्का सा ऐसे ऑयल लगा लें और बस उतने दो बूंद ऑयल में ही खाना बन जाता है। तो ये भी ठीक है, होना चाहिए किचन में। और इसमें देखते हैं मिर्ची कट करके, इसी तरह से आप भिंडी भी कट कर सकते हैं। एक साथ मैं दो कट करके देखती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही बताया था कि आप एक साथ दो चार जितने मर्जी चाहे कट कर सकते हैं। तो हाँ, ये तो वर्थ है। और सेम मतलब इसमें पीलर भी इस तरह से, तो आप इससे आलू को इस तरह से पील भी कर सकते हैं। इसे यूज करके देखती हूँ कि ये कैसा है। तो इसमें इस तरह से एक बनाया गया है मार्क और ये है, तो सबसे पहले इसको डालेंगे और यहाँ पे इसको लॉक कर लेंगे। अब ये लॉक हो गया और अब इसमें डालेंगे काजू और इसे इस तरह से लगा करके सिर्फ इसको घुमाना है। तो ये सच में वर्क करता है और बहुत ही अच्छा है ये। ये देखिए काजू मिनटों में बारीक हो गया और सबसे अच्छा है कि सेफ है, इसे बच्चे भी इसमें कट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये काफ़ी सेफ है, अगर ड्राई फ्रूट कट करना हो तो बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए, तो आप देख सकते हैं मिनटों में ड्राई फ्रूट सारे कट गए और क्लीनिंग का भी कोई झंझट नहीं है। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यही मैं देख करके वहाँ पे खरीदी भी थी। और इसका प्राइस है 299, लेकिन ये मुझे वहाँ पे 150 का ही मिला। और ये है विस्क करने वाला, इससे आप फेंट सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फिट जाता है ऐसे। और अगर ऐसे इक्विपमेंट होंगे तो बच्चे भी आपके हेल्प करेंगे, बच्चे भी बड़े मज़े में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और ये देखिए दही बड़े का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही कम टाइम लगा है। इससे आप लस्सी बना सकते हैं, दही फेंट सकते हैं, बड़ी फेंट सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल लगा मुझे, मैंने इसीलिए ये लिया है। ज़्यादा जो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया वो है ये, जैसे आप गुजिया मटरी निमकी कुछ भी बनाते हैं तो वह उसे छानने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक बार ही आप इसमें डाल दें और इस तरह से आप ऊपर कर सकते हैं जैसे आपका फ्राई हो जाए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें इस तरह का दिया गया और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टील का यूज़ किया गया है। और इसमें सीधा आप डाल करके और इस तरह से जब फ्राई हो जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। साथ ही हमने ये लिया है पीलर, इसकी खासियत ये है कि इसके साथ साथ जब आप पील करते हो तो वेस्ट मटेरियल आपका इसी में इकट्ठा हो जाता है, नीचे गंदा नहीं होता है। तो ये इस तरह का है। तो इसे टेस्ट करने के लिए एक गाजर पे चेक करके देखते हैं। हाँ, ये काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है और ये गाजर देखिए पील हो गया। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगा कि इसके जितने भी वेस्ट चीज़ है वो इसी में इकट्ठा हो जाता है, नीचे बिल्कुल गंदा नहीं होता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ ही एक छोटा वाला मैंने ग्रेटर भी लिया, और अगर सैलड वगैरह के लिए आपको ग्रेट करना हो या रायता में डालना हो तो आप इस तरह से इसको ग्रेट कर सकते हैं। ये काफ़ी बारीक वाला होल है इसमें। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी।